हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। देखिए, आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। कार्डिगन, लेडी जैकेट, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पे ऐसा दिखता है। ये डिज़ाइन जस्ट ट्यूबल रोज का डिज़ाइन है। इन्हीं ट्यूबल रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 6 मल्टीपल में फंदा लेना है, +1 +2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 6 + 1 + 2। ये डिज़ाइन राइट साइड से स्टार्ट करना है। रो 1 आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। इसमें मैंने 6 मल्टीपल करके 2 + 1 + 2 कर लिया है, टोटल 15 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो पूरी सिलाई सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो भी सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सेकेंड रो रॉन्ग साइड, सेकेंड रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो भी उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को पीछे ही रखना है, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है इस तरह से, फिर धागा आगे कीजिए, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर 5 फंदा उल्टा, 2 4 5। आपको ये रिपीट करना है, धागा को पीछे करना है, फिर यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर धागा आगे कीजिए, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा स्लिप, फिर एक फंदा सीधा, थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप फोर रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर धागा को पीछे करना है, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 1 डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, एक फंदा स्लिप, 5 फंदा सीधा, 2 4 5। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा आगे कीजिए, एक फंदा स्लिप, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा। धागा आगे कीजिए, एक फंदा स्लिप, फिर एक फंदा उल्टा, 4 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो सेम रो 3 के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, एक फंदा स्लिप, पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर धागा आगे कीजिए, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 1 डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, एक फंदा स्लिप, 5 फंदा उल्टा, 2 4 5। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर रिपीट करना है, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा स्लिप, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5।
एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुनकर कंप्लीट कर लिया है। आप सिक्स रो सेम रो फोर के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा स्लिप, फिर धागा को पीछे करना है, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, एक फंदा स्लिप, फिर पांच फंदा सीधा, दो चार पाँच। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे कीजिए, एक फंदा स्लिप, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा आगे कीजिए, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा। सिक्स रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सेवन रो पूरी सिलाई सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। सेवन रो भी सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप एट रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एट रो भी उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप नाइन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे करना है, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। धागा पीछे कीजिए, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, फिर धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। धागा पीछे, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, धागा आगे कीजिए, दो फंदा उल्टा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। नाइन रो भी बुनकर कंप्लीट कर लिया है। आप टेन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे करना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। धागा आगे कीजिए, एक फंदा स्लिप, फिर धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा, एक दो। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर रिपीट करना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। धागा आगे कीजिए, एक फंदा स्लिप, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। टेन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप इलेवन रो सेम रो नाइन के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे करना है, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। धागा पीछे, एक फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है।
फिर धागा आगे कीजिए दो फंदा उल्टा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप, दो फंदा उल्टा, एक दो। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। धागा पीछे एक फंदा स्लिप, धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा। 11 रो भी बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब टू बेल रो सेम रो 10 के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को पीछे करना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। धागा आगे कीजिए, एक फंदा स्लिप, धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एक फंदा स्लिप, दो फंदा सीधा, एक दो। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर रिपीट करना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। धागा आगे कीजिए, एक फंदा स्लिप, धागा पीछे दो फंदा सीधा, एक दो। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा। टू बेल रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये डिजाइन जस्ट टू बेल रोज का है। इन्हीं टू बेल रोज आपको आगे आके रिपीट करना है। आप यहाँ से फिर रो वन स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो वन से रो टू बेल तक। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ए डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।